शुभ संध्या मो विभूति आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुचे ओडिशा चॉइस को। चलतु संध्यार खबर पर नजर पकेबा नजर पकेबा पूर्वर समस्त सबुदिन पर रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देखा सहित वीडियो समस्ते लाइक आ सब्सक्राइब करेंगे। चलतु संध्यार खबर पर नजर पकेबा लेट्स स्टार्ट। देश में कोरोना पर पुणी लागू होला 144 धारा। देश में पुणी थे मुंड टेकिला कोरोना महामारी। दिनकू दिन संक्रमित संख्या वृद्धि पाथिवारो यह उभय साधारण जनता एवं सरकार मुंडविधार कारण पलटी। उत्तर प्रदेश में वृद्धि पाथवा कोरोना संक्रमण को देखि गौतम बुद्ध नगर में 144 धारा जारी करा जाइछि। यहा मे 31 तारीख पर्यंत बलवंत रहिबो। खबर टीकाकरण नीति को ने सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी। टीका नेबा को कहा को बाध्य करा जाय पारिबो नाही। कोरोना टीका को ने सुप्रीम कोर्ट को बड़ राय एणिक टीका नेबा पई कहा को बाध्य करा जाय पारिबो नाही। केन्द्र सरकार को टीकाकरण नीति को ने सुप्रीम कोर्ट को एई भळी राय देइछन्ते। केवल सेतिक नहे कहते कि टीका ने लोक सार्वजनिक स्थान में रोकवा बेआईन। टीका नेबा किंबा न नेबा नागरिकों निजस्व निष्पत्ति। टीकाकरण समूह स्वार्थ दृष्टि सरकार नीति निर्धारण करपारती किंतु साधारण स्थान में रोकवा बेआईन। कटकणा हटेबा को राज्यगुड़ी को सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देते। परवर्ती खबर संभाव्य बात्या ने बीएमसी रो उच्चस्तरीय प्रस्तुति बैठक। बैठक में अध्यक्षता करिसंती भुवनेश्वर मेयर सुलोचना दास। समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित अछंती। संभाव्य बात्या मुकाबला पई प्रस्तुति केपरि करा जिवो सेने आलोचना करा जायछि। परवर्ती खबर चाषी को मुख्यमंत्री अखिर तृतीया भेटी। क्षुद्र नाममात्रा भाग भूमिहीन चाषी को सहायता प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री। अखिर तृतीया अवसर में चाषी को उपहार देवे मुख्यमंत्री। चाषी को आकाउंट को सीधासलख जीव कालिया टंका। आसंता काली अपराह्न रे कालिया योजना रो हिताधिकारी को मिल 2000 टंका। अखिर तृतीया अवसर में चाषी को 2022 वर्ष पई कालिया योजना रे खरीफ सहायता टंका मिल 40 लाख। क्षुद्र और नाममात्रा चाषी पाइबे एही टंका। ए बाबत राज्य सरकार 800 कोटी टंका प्रदान करेंगे। अखिर तृतीया अवसर में तथा आसंता काली अपराह्न रे लोकसभा भवन रे कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग पक्ष पालन हेब स्वतंत्र कार्यक्रम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे यार शुभ उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। यही अवसर में कालिया योजना हिताधिकारी को 2022 वर्ष खरीफ चाष पई 2000 टंका काली अपराह्न मिलवा स्टार्ट है। परवर्ती खबर देवगढ़ विधायक सुभाष चंद्र प्राणीग्राही गिरफ प्रतिवाद में सोमवार 12 घंटिया देवगढ़ बंद पालन करी भाजपा। सका 6टार बंद पालन होता बेले संध्या 6टा पर्यंत बंद चालू रहिबो। समस्त दुकान बजार सहित गाड़ी मोटर मध्य बंद रही। परवर्ती खबर प्रचंड खरार लोकं टे त्राही मिलू। रविवार ठार उपकूल ओडिशा रे तापमात्रा ह्रास पाई बेले सामुद्रिक पवन प्रभाव में उपकूल आकाश मेघाच्छन रही। अधिकांश जिले में कालबैशाखी आशंका देखाई। बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होबार संभावना रही आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिसेंते किंतु पश्चिम ओडिशा पटे एबे भी ग्रीष्म प्रभाव जारी रही। वर्तमान सेठारे तापमात्रा 40 डिग्री ऊपर रही। परवर्ती खबर भारतीय पाणीपाग विभाग पक्ष जारी करा जाइछि दक्षिण आंडामान सागर रो उपग्रह चित्र। ए सैटेलाइट इमेज रो जना पड़ुछि समुद्र भितर किभली हलचल सृष्टि होउछि। आंडामान सागर भितर किभली अशांत होइछि भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार यार प्रभाव में दक्षिण आंडामान सागर और यार आखपाख अंचल आसंता 6 तारिख में सृष्टि होब लघुचाप। दक्षिण आंडामान सागर रे 4 तारिख में सृष्टि होगा घूर्णिवलय प्रभाव में यह लघुचाप सृष्टि होगा नहीं आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। एबे परवर्ती 24 घंटा भितर यह लघुचाप अधिक घूर्णिवृत्त होब हेले झड़ रूप नेब कि ना से ने एपर्यंत भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर कौन स्पष्ट आकलन करना। दिने दुई दिन भितर यह हुए तो स्पष्ट हो तेरे संभाव्य बात्या को नहीं पूर्वानुमान करी विदेशी पाणीपाग संस्था ओएनडीकॉम। तेरे ओएनडीकॉम आकलन अनुसार 10 तारिख मध्यान सुंदरवन निकट गंगसगर में स्थलभाग छुईपे बात्या। बालेश्वर समेत ओडिशा रे मध्यम धरण वर्षा हो पारे। तेरे संभाव्य बात्या को नहीं भारतीय पाणीपाग विभाग पक्ष कौन सूचना दि जाए ना
तेरे दुई ने दुई दिन भितर स्पष्ट चित्र आसो के बात्या जीव तार आकलन सठिक भाव रिपोर्ट आसपार। परवर्त खबर आज नुआ समय बाजिला स्कूल घंटी सका छु श्रेणीगृह बस पाठ पढ़ी छात्र छात्री राज्य में ग्रीष्म प्रभाव पर पांच दिन छुट्टी पर आज पुणी खोली स्कूल खरापाई पूर्व समय परिवर्तन करा जाए छु नौटा पर्यंत क्लास हो। परवर्ती खबर कृषक मान एकर पिछा मिल 1500 टंका वर्तमान रबि सीजन समाप्त होता बेले कृषक मैंने खरीफ फसल प्रस्तुति में लग पड़ते तेरे यही परिप्रेक्षी में पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान कृषक मानी एक बड़ निष्पत्ति धान चारा रोपण करने परे बीज रोपण करने सरकार प्रोत्साहित कर सीधासख धान बीज रोपण करुवा कृषक मान आर्थिक रूपे सहायता दिजानी सरकार पदक्षेप नहीं धान रोपण करने द्वारा क्षेत्रपाई अधिक जल आवश्यक होता है तेरे अपधार्य मौसुमी वर्षा और जलस्तर ह्रास को दृष्टि रखी सरकार यह निष्पत्ति आगामी खरीफ सीजन ठारु जो कृषक मैंने सीधासख धान मंजी रोपण करेंगे से मानक एकर पिछा 1500 टंका सहायता मिले सूचना आसी तली बुणापी टाँचा मिल। परवर्त खबर देश में 24 घंटा मध्य 3157 जन नुआ कोरोना आक्रांत बाहर बेले से हीपरी आज 26 जन लोकंर देश में कोरोना मृत्यु होती। परवर्त खबर सुना कि दोकान को जवा पूर्व जाणिनतु आज सुनादर कौन रही आज काली अपेक्षा आज सुनादर सामान्य कमी आज राजधानी भुवनेश्वर 22 कैरेट सुना 10 ग्राम को 48,390 टंका थिबा बेले सेहीपरी 24 कैरेट सुना 10 ग्राम को 52,790 टंका रही अछि। सेहीपरी स्थिर रही पेट्रोल और डीजेल मूल्य आज भुवनेश्वर पेट्रोल लिटर को 112 टंका 39 पैसा थिबा बेले डीजेल प्रति लिटर को 102 टंका 14 पैसा रही अछि। परवर्ती खबर पुणी बातिल हेला ट्रेन भारतीय रेलवे पक्ष 2 मे अर्थात आज चलवाक 119 ट्रेन को बातिल करा जायछि सेथिमध्यरु 12 ट्रेन को शेष स्टेशन रो परिवर्तन करा जायथिया बेले 11 टी को शॉर्ट टर्मिनेट करबा को निष्पत्ति निया जायछि। एही परिवर्तन रक्षणबेक्षण एवं ऑपरेशन कारण रो करा जायछि। देश में कोईला उत्तोलन को प्राथमिकता देवा कारण केतक ट्रेन को मध्य बातिल करा जायछि। परवर्ती खबर बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती असुस्थता नहीं किसी फटो एवं सोशल मीडिया रे घूरी बोलुछि तेरे यह फैन्स मन में निराश भावना सृष्टि से अधिक तथ्य जानापी व्यागर होती यह फटो असली कि नकली ता समस्त द्वंद्वे पकड़ मिथुन दादा स्वास्थ्यावस्था नहीं सूचना देखर पुत्र मीमोह ते मीमोह कहते जे किडनी स्टोन समस्या कारण मिथुन को एवं हॉस्पिटल एडमिट कर। परवर्त खबर ब्रह्मपुर विपुल परिमाण नकली विदेशी मद जबत गोपालपुर थाना डोरा अंचल नकली मद प्रस्तुत नहीं सूचना मिलवा पर ब्रह्मपुर अबकारी गुइंदा विभाग चढ़ाऊ कर विपुल परिमाण नकली मद जबत कर एथिरे संपुक्त थिबा ब्रह्मपुर प्रेमनगर बद्रीनारायण पात्र और चिकिटी अंचल निरंजन गुड़ा को गिरफ कर अबकारी गुइंदा विभाग तेरे गिरफ अभियुक्त 134 लिटर नकली मद 40 लिटर स्पिरिट सहित विपुल परिमाण मद प्रस्तुत सामग्री सह बाइक और स्कूटी जबत कर सूचना आसी अछि। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री 5 दिनिया दिल्ली गस्तर आज हो चतुर्थ दिन तेबे आज राज्यर स्वार्थ नहीं केन्द्र सह मुख्यमंत्री को आलोचना रही कार्यक्रम ओडिशार स्वार्थ संपर्कित दाबी उठाइबे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बाकिया पाउणा सहित पड़ रही प्रकल्प बाबतरे नवीन दाबी करिबा नहीं सूचना मिली अछि। परवर्ती खबर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप गस्तरे जिबे गस्त पूर्व सूची संपर्क में सूचना देते मोदी दोपाखी प्रसंग व्यतीत युक्रेन संकट नहीं आलोचना हेब जर्मनी फ्रांस और डेनमार्क जिबे मोदी बोले सूचना आसी अछि। परवर्ती खबर कोरोना भाइरस जोगो सारा विश्व अत्यावश्यक सामग्री जोगाण बाधाप्राप्त होता आउ एवं रूस और युक्रेन युद्ध जो आंतर्जातीय बजार में खाइबा तेल जोगाण समान स्थित गति करुछि युद्ध पूर्व युक्रेन सूर्यमुखी तेलर सबुठ बड़ रप्तानिकारी राष्ट्र थिला हेले एबे युक्रेन ध्वस्त विध्वस्त होबा परे तेल जोगाण व्यापक भाव प्रभावित होइछि जहार प्रभाव में तेल दर वृद्धि पाइबार लगी आ पुराणा स्टॉक गुड़िक मूल्य मध्य अहेतुक वृद्धि पाई दर वृद्धि जो तेल आमदानी करूथा कंपनी माने पूर्व भले आउ तेल उठाऊ नहांती
जहाँफल बजार में एक प्रकार सूर्यमुखी तेलर अभाव देखाई आगक आहरी बढ़ पुणी तेल दर बोली सूचना आसी अच्छी। बास यही इनफर्मेसन भिडियो शेष पर्यटन देखी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद।